नमस्कार दोस्तों, आज की कोड वीडियो में आपका स्वागत है आपका अपना चैनल एडवाइस एक्सप्रेस में। दोस्तों, यदि आप एक्सिस बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया है तो यहाँ पर एक्सिस बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने पर आपको एक्सिस बैंक की तरफ से वर्चुअल डेबिट कार्ड दिया जाता है। आप इस वर्चुअल डेबिट कार्ड के माध्यम से कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आप यहाँ पर एक्सिस बैंक में यदि ऑफलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीका से एक्सिस बैंक के वर्चुअल डेबिट कार्ड अपना देखेंगे, वर्चुअल डेबिट कार्ड निकालेंगे। इसके अलावा आप वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन किस तरीका से सेट करेंगे, साथ ही वर्चुअल डेबिट कार्ड का फी और चार्जेज क्या है, इस वीडियो में डिटेल में बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ ही यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं लिखा गया ई डेबिट कार्ड, यानी कि वर्चुअल डेबिट कार्ड है। वर्चुअल डेबिट कार्ड वीजा का डेबिट कार्ड होता है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देखिए इसके फी और चार्जेस के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिए पहला इशू फी, तो इशू फी आपको यहाँ पर 500 रुपये पे करना होगा, 500 रुपये आपसे लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एडिशनल कार्ड फी, ये नॉट अवेलेबल है, यानी कि ये आपको पे नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर एनुअल फी की बात करें तो यहाँ पर एनुअल फी आपको 500 रुपये देना होगा, यानी कि साल में एक बार आपको 500 रुपये आपको देना होगा। इसके बाद यहाँ पर रिप्लेसमेंट फी, 100 रुपये आपको रिप्लेसमेंट फी है। इसके बाद यहाँ पर है एटीएम विड्रॉल लिमिट, यहाँ पर देखिए लिखा गया एज पर कार्डलेस आईएमटी डिटेल्स, यानी कि यहाँ पर आप आईएमटी पर क्लिक करेंगे तो इसके बारे में जान सकते हैं। तो आप वर्चुअल डेबिट कार्ड के माध्यम से पैसा भी निकाल सकते हैं जो कि कार्डलेस कैश विड्रॉल होता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए परचेज लिमिट पर डे का है, आपको 1 लाख, यानी कि आप लोग 1 लाख रुपए तक का यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको फीचर एंड बेनिफिट के बारे में बताया गया है, आप इस पर क्लिक करके फीचर और बेनिफिट इसका जान सकते हैं। वर्चुअल डेबिट कार्ड का क्या क्या बेनिफिट है तो यहाँ पर देख सकते हैं, 1 कम्प्लीमेंट्री मूवी टिकट, बाय 1 गेट 1 फ्री, यानी कि bookmyshow.com से यदि आप टिकट मूवी टिकट बुक करते हैं तो 1 टिकट पर 1 टिकट आपको फ्री होगा, लेकिन यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन है उसके बारे में आपको जानना जरूरी होगा। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर लिए हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड यहाँ पे ऊपर में ही दिखाई देता होगा, आप यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सेविंग अकाउंट दिख रहा है, आप सेविंग अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको इस तरीका से आ जाएगा, आपको नीचे में यहाँ पर देखिए लिखा गया है व्यू वर्चुअल कार्ड, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक का वर्चुअल डेबिट कार्ड शो कर दिया है। तो ये है आपका वर्चुअल डेबिट कार्ड, यहाँ पे आपका कार्ड नंबर, नीचे में कार्ड का एक्सपायरी डेट, इसके अलावा यहाँ पर CVV नंबर भी शो कर रहा है और आप इस कार्ड नंबर और CVV नंबर के माध्यम से कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीका से आप लोग एक्सिस बैंक के वर्चुअल डेबिट कार्ड देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर यदि आप इस वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से बैक हो जाएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर में ही दिखाई देगा, सर्विसेज में लिखा होगा डेबिट कार्ड्स, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर सेट या रिसेट पिन लिखा गया, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप सेट पिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आप 4 अक्षर का अपना पिन सेट कर लेंगे, जो भी पिन आप रखना चाहते हैं वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन, जैसे कि हम यहाँ पर मान लीजिए पिन सेट कर रहे हैं, 4 अक्षर का पिन हमने बना लिया। नीचे भी आपको कंफर्म कर लेना है जो आपने ऊपर में फिलअप किया था, यहाँ पर हमने पिन बना लिया है। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपसे एम पिन मांगा जा रहा है, एम पिन मतलब जब भी आप एक्सिस बैंक के मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन करते हैं तो एम पिन का जरूरत पड़ता है, तो आप यहाँ पे अपना एम पिन फिलअप कर लीजिए। यहाँ पर हमने एम पिन फिलअप कर दिया है, यह देखिए सक्सेस हो चुका है और यहाँ पर मैसेज भी आ गया है। तो इस तरीका से आप लोग यहाँ पर एक्सिस बैंक के वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन सेट कर सकते हैं। चलिए हम होम पे चले जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरीका से आप लोग यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड अपना देख सकते हैं। इसके अलावा वर्चुअल डेबिट कार्ड का पिन भी बना सकते हैं, पिन सेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।